हेलो ऑल, माई सेल्फ रिचा सिंगल, लेक्चरर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, GPC, झुंझुनू। आज हम एस्टीमेशन प्रोसीजर और फंक्शंस ऑफ एस्टीमेटिंग डिपार्टमेंट और एस्टीमेशन से रिलेटेड रेस्ट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले देखते हैं एस्टीमेशन का प्रोसेस क्या होता है या फिर एस्टीमेटिंग डिपार्टमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। अगर इन दोनों के बारे में से किसी के भी बारे में पूछा जाए तो सेम पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो एस्टीमेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे किसी भी कंपनी में अपने जॉब करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग है, रिसर्च डिपार्टमेंट अलग होता है, वहाँ रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग। सो सभी डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करके, मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट अलग हो गया, तो ये सभी डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तभी फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है। तो जो एस्टीमेशन का काम है वो मेनली प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास होता है, जो पूरा प्रोडक्ट के बारे में पहले से प्लान करता है। तो उस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, वो प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट डिसाइड्स रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेगा मार्केट में कि प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हम प्रोवाइड करवा सकते हैं कंज्यूमर्स को। तो सबसे पहले बेसिक नीड्स और उसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिसाइड किया जाता है। देन इट प्रिपेयर्स ड्राइंग्स, उसके बाद प्रोडक्ट की ड्राइंग तैयार की जाती है। देन इट डिसाइड्स रिक्वायर्ड फिनिशिंग प्रोसेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जो फिनिशिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसकी कितनी कितना एक्यूरेसीज होनी चाहिए प्रोडक्ट की, ये सब डिसाइड किया जाता है। इट आल्सो प्रिपेयर्स लिस्ट ऑफ पार्ट्स यूज्ड इन द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं उनकी लिस्ट तैयार करता है। देन इट डिसाइड्स विच पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट और प्रिपेयर इन द फैक्ट्री, उसके बाद ये डिसाइड करता है कि जो प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं उनमें से हम कौन से पार्ट्स हैं जो मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं और कौन से इतने पार्ट्स हैं जो हम खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं फैक्ट्री के अंदर। देन इट काउंट्स नंबर ऑफ पार्ट्स रिक्वायर्ड एंड देयर कॉस्ट, एंड डिफरेंट जो प्रोडक्ट के पार्ट्स हैं हमें कितने पार्ट्स चाहिए और उनकी काउंटिंग कर लेते हैं, एंड देन उनकी कॉस्ट डिसाइड करते हैं कि उनकी क्या कितनी कॉस्ट पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इट डिसाइड्स लेबर कॉस्ट, जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसके अंदर जो लेबर लगेगी उनको कितना वेजेस देना है, उनको कितनी सैलरी देनी है, ये सब डिसाइड किया जाता है। इट डिसाइड्स मशीनिंग टाइम थ्रू टाइम एंड मोशन स्टडी, मशीनिंग टाइम डिसाइड करता है कि जो हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे उसके अंदर जो जो मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं तो उनके प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में मशीनरीज कितना कितना टाइम ले रही हैं। इसमें डिफरेंट अलाउंसेस ऐड की जाती है मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन में, यह टाइम और मोशन स्टडी के द्वारा किया जाता है। तो आपका बेसिकली 3 M का फंडा है, मैन, मशीन और लेबर, मैन, मशीन और मटीरियल। तो मैन मतलब लेबर जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गई तो उसकी कॉस्ट डिसाइड हो गई। मशीन के अंदर मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन हो गया, टाइम कैलकुलेशन होगा उस अकॉर्डिंग उसकी रेट्स डिसाइड की जाएगी। देन मटेरियल है, उसके बाद मटेरियल की कॉस्ट डिसाइड की जाती है कि हम प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या जो उसके सब पार्ट्स हैं उनका कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से मैन, मशीन और मटेरियल की कॉस्ट डिसाइड होने के बाद प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट है वो डिसाइड की जाती है। तो बेसिकली प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट या एस्टीमेशन डिपार्टमेंट है ये सब कैलकुलेट क्यों कर रहा है कि प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट मिले तो हम उसमें प्रॉफिट ऐड करके उसकी सेलिंग प्राइस निकालें मार्केट के अंदर, और सेल्स डिपार्टमेंट को वो इसके बारे में बता सके कि भाई प्रोडक्ट है वो कितने में सेल करना है। तो प्रोडक्ट की जो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो किस तरह से निकालते हैं। तो टोटल कॉस्ट के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। पहला आता है प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट मतलब प्राथमिक लागत। प्राथमिक लागत क्या होती है, इट इज़ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष पदार्थ प्लस प्रत्यक्ष श्रम प्लस प्रत्यक्ष खर्चे। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई प्लास्टिक की चेयर बना रहे हैं तो उसके अंदर लगने वाला जो डायरेक्ट मटेरियल है वो प्लास्टिक का होगा।
तो डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे प्लास्टिक हो गया। अब डायरेक्ट लेबर कौन सा है जो उस चेयर को बना रहा है, वो श्रमिक है, वो डायरेक्ट लेबर हो गया, और उसमें उसको बनाने में जो डायरेक्ट खर्चे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। देन आता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ सम ऑफ प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, प्राथमिक लागत प्लस फैक्ट्री उपरिव्यय। अब फैक्ट्री उपरिव्यय क्या होगा? ये इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी इसके अंदर। तो इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी से रिलेटेड आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हो सकता है आप जैसे कोई जॉब बना रहे हैं लेथ मशीन पे, तो उसमें आप कटिंग फ्लूड यूज़ कर रहे हो सकता है आप लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या कोई कूलेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर आ गया। इनडायरेक्ट लेबर के अंदर आ गया, आप जैसे कोई टेक्नीशियन रख रहे हैं वर्कशॉप के अंदर, तो उसको जो आप वेजेस दे रहे हैं वो, या फिर आप कोई चौकीदार रख रहे हैं, गार्ड रख रहे हैं, जो चौकीदार की सैलरी हो गई वो इनडायरेक्ट लेबर के अंदर आ गई, ठीक है। देन आती है ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट में क्या आ गया? फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस प्रशासनिक खर्चे। प्रशासनिक खर्चों में कौन से खर्चे आ जाएंगे? जो प्रशासन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो भी आपके कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनकी जो सैलरी वगैरह हो गई वो आ जाती है, ठीक है। और कोई कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं उसका खर्चा, प्रिंटर्स का खर्चा, फैक्स का खर्चा, तो ये सब प्रशासनिक खर्चों में आ गए, ठीक है। तो कुल लागत अब प्रोडक्ट की क्या हो गई? ऑफिस कॉस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्लस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब ऑफिस कॉस्ट के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऐड कर रहे हैं, मतलब वितरण जो भी आपके खर्चे हैं, आप जो भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप अपना प्रोडक्ट देंगे सेल करने के लिए, तो उनको आप कितना कमीशन ऐड करके कितना डिस्काउंट देंगे, ठीक है, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर आ गया, ठीक है। प्लस एडवर्टाइजमेंट, आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, हो सकता है थ्रू न्यूज़पेपर कर रहे हैं, या हो सकता है थ्रू टेलीविज़न कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के अंदर आ गई। प्लस आप प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई, तो ये सभी कॉस्ट इंक्लूड होकर आपके टोटल कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट की। तो अब प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पता चल गई, तो उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस डिसाइड की जाती है। तो इस तरह से प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड करके फिर उसको सेल्स डिपार्टमेंट को बताता है कि इस प्रोडक्ट की इतनी सेल इतनी सेलिंग प्राइस है, तो इतने में सेल होना चाहिए तभी प्रॉफिट अर्न हो पाएगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के कमीशंस वगैरह है या डिस्काउंट्स वगैरह है वो सब डिसाइड करता है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के अंदर ये उसकी कॉस्ट डिसाइड करता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितना खर्चा होना चाहिए। तो इस तरह से जो मेन जो एस्टिमेशन डिपार्टमेंट है या जो प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो सभी कॉस्ट के बारे में अध्ययन करके फाइनली प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है, ठीक है। और इसके अंदर वो आपका अलग अलग जैसे इस तरह के प्रोसेस भी फाइंड आउट करता है जो हमने पढ़ा था एस्टिमेशन के ऑब्जेक्टिव्स में, कि भाई हम ऐसे मितव्ययी प्रोसेस पता कर सके जिनके थ्रू हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम लग सके। और ऐसे लेस एक्सपेंसिव मेथड्स फाइंड आउट हो सकें जिसके थ्रू हम रॉ मटेरियल और मशीनरीज के बारे में डिसाइड कर सकें। तो ये सभी काम है जो एस्टिमेशन के प्रोसेस के अंदर आते हैं, और एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट है उसके ये सभी फंक्शंस होते हैं। अब नेक्स्ट आता है ओवर एस्टिमेटिंग एंड अंडर एस्टिमेटिंग, अधिक आकलन एवं कम आकलन। अब जो करेक्ट एस्टिमेट है अगर उससे आपने आकलन ज़्यादा कर दिया, उसकी अमाउंट इंक्रीज करके आपने बता दिया, तो वो ओवर एस्टिमेटिंग कहलाएगा। और ये मेनली अपन टेंडर फिलिंग के अंदर यूज़ करते हैं, जो टेंडर्स लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह, तो वो थोड़ा सा अपना एस्टिमेट बढ़ा के बताते हैं कि हम इतने में ये वर्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सो इट इंक्रीजेस प्राइस सो दैट प्रॉफिट कांट बी गेन। तो इस तरह से भी आप प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते अगर आप प्राइस बढ़ा के बता रहे हैं। हो सकता है आपको टेंडर ही ना मिल पाए, जो लेस प्राइस में काम कर रहा है कंपनी उसको वो टेंडर दे दे, तो ओवर एस्टिमेटिंग भी गलत है। देन कम आकलन, अंडर एस्टिमेटिंग, अगर आप अंडर एस्टिमेट करके आपके पास हो सकता है उतनी क्वालिटी प्रोडक्ट की देने के लिए आपके पास में उतना आप उस धन के अंदर उतनी क्वालिटी अवेलेबल नहीं करवा पाओ। अगर आप अंडर एस्टिमेट करके, तो हो सकता है प्रोजेक्ट है वो 70,000 में कंप्लीट हो रहा हो फॉर एग्जांपल,
कोई प्रोजेक्ट है वो 70,000 में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन आप है वो अंडर एस्टिमेट करके बोल रहे हो कि मैं 50,000 में उसकी बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन क्वालिटी वहाँ पे फिर प्रोडक्ट की उतनी नहीं मिल पाएगी और आपको लॉस हो जाएगा और एक्स्ट्रा मनी भी लग पाएगी। तो सो एक्यूरेट एस्टिमेटिंग इज़ नेसेसरी, इसीलिए जो सही आकलन है वो आवश्यक होता है, ना तो कम आकलन किया जाए ना ही अधिक आकलन किया जाए। देन नेक्स्ट आते हैं आपका सोर्सेस ऑफ एरर्स, जो एस्टिमेट के अंदर क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं। तो पहली आती है उसमें अवॉइडेबल एरर्स, ऐच्छिक त्रुटियां, और दूसरी होती है उसमें अनअवॉइडेबल एरर्स, अनैच्छिक त्रुटियां। ऐच्छिक त्रुटियां, अवॉइडेबल एरर्स वो होती हैं जो बाय मिस्टेक एस्टिमेटर से हो जाती हैं, और एस्टिमेटर से क्यों होती है, उसकी या तो लापरवाही की वजह से, या हो सकता है उसको कम एक्सपीरियंस हो इस वजह से, एस्टिमेटर की केयरलेसनेस की वजह से, लेस एक्सपीरियंस ऑफ एस्टिमेटर की वजह से ये ऐच्छिक त्रुटियाँ अवॉइडेबल एरर्स रह जाती हैं एस्टिमेट्स के अंदर। तो सो दीज आर इनएक्यूरेट एनालिसिस, खराब विश्लेषण, लीव सम डाटाज, डोंट कंसिडर न्यू डाटाज, रिपीट सम डाटाज। हो सकता है एस्टिमेटर कुछ डाटाज छोड़ दे, हो सकता है वो न्यू डाटाज कंसिडर ना करे, हो सकता है वो कुछ डाटाज का रिपीटेशन कर दे। तो इस तरह से आपका जो एस्टिमेट प्रिपेयर होता है वो गलत प्रिपेयर होता है, हो सकता है वो ओवर एस्टिमेटिंग हो जाए, हो सकता है वो अंडर एस्टिमेटिंग हो जाए। देन नेक्स्ट आता है आपका अनअवॉइडेबल एरर्स, इसमें कौन कौन सी होती है अनैच्छिक त्रुटियां में, मशीन स्टॉप्स, हो सकता है मशीनरी काम करना बंद कर दे, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए, लाइट ना पाए और मशीन जो वर्कशॉप है वो शट डाउन हो जाए प्रोडक्शन हाउस। देन नेक्स्ट एक्सीडेंट्स या स्ट्राइक्स की वजह से, हड़ताल या दुर्घटनाओं की वजह से भी कई बार काम है वो स्टॉप हो जाता है। लेस एफिशिएंट लेबर, हो सकता है आपकी जो लेबर है वो उतनी एफिशिएंट, उतनी दक्ष ना हो काम करने में, सो वो टाइम ज़्यादा ले रही हो काम करने में और उतना एक्यूरेट काम ना कर पा रही हो। इनएफिशिएंट मशीनरीज, आपकी मशीनरीज की जो मशीन है वो उतनी एफिशिएंट ना हो, दक्ष ना हो काम करने में। सो ये अनअवॉइडेबल एरर्स हैं, इनकी वजह से भी कई बार काम होता है वो स्टॉप हो जाता है या डिले हो जाता है, काम प्रोजेक्ट है वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक सैम्पल ऑफ एस्टिमेट लिया है जिसमें आपको बताया कि एस्टिमेट है वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कोई पाइपलाइन लीकेज का एस्टिमेट लिया है, जैसे आप कोई पाइपलाइन है वो लीक हो रही है, अब उसको सही करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है सीरियल नंबर, देन डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो पहला पॉइंट उसमें अर्थवर्क, खुदाई की जाएगी ज़मीन की, ठीक है, क्योंकि ज़मीन के अंदर पाइपलाइन होती है तो पहले खुदाई का पॉइंट आएगा। तो खुदाई है वो कितना क्यूबिक मीटर खुदाई है, वो उसकी 1 क्यूबिक मीटर की क्या रेट है वो इधर आ जाएगी रेट में। देन कितना क्यूबिक मीटर खुदाई हो रही है तो उसकी टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर ली जाएगी। नेक्स्ट आ गया उसमें फिर पाइपलाइन लेइंग, अब कोई आपको हो सकता है 20 मीटर पाइप डालनी हो, उतनी ख़राब हो सकता है 30 मीटर डालनी हो, तो जितने पाइपलाइन डाल रही हैं उतने मीटर क्वांटिटी आ गई, उस 1 मीटर पाइपलाइन डालने की क्या रेट है वो, और फिर आपको जितने भी मीटर पाइपलाइन डालनी है, हो सकता है 30 मीटर डालनी है तो 30 मीटर की रेट है वो अमाउंट के अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद में हो सकता है उसमें कुछ टीज लगे हैं, कुछ बैंड्स लगे हैं, कहीं पर घुमावदार सड़कें हैं तो बैंड लगाने पड़ते हैं अपने को, ठीक है। और जॉइंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट्स, अब जहाँ जहाँ वो पाइपलाइन है वो लीक हो रही है तो वहाँ पे जॉइंट लगेंगे, तो कितने नंबर ऑफ़ जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है वो क्वांटिटी में आ गई, एक जॉइंट की क्या रेट है वो आ गई, जितने नंबर ऑफ़ जॉइंट्स हैं उनकी टोटल अमाउंट आ गई। तो इस तरह से सब कैलकुलेट करके टोटल कॉस्ट आ गई। तो इस तरह से किसी एस्टिमेटर ने पाइपलाइन लीकेज का एस्टिमेट तैयार किया है। ये तो पाइपलाइन लीकेज एस्टिमेट का एक ओवरव्यू हो गया। तो आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, हो सकता है आप कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो उसमें आप डिफरेंट है पार्ट्स हैं वो यूज़ कर लेंगे, भाई नंबर ऑफ़ गेस्ट इतने हैं, उनकी केटरिंग में कितना अपने को अमाउंट लगेगा, उनकी डेकोरेशन में कितना अमाउंट लगेगा, और वेन्यू हॉल में वेन्यू हॉल है उसका रेंट कितना लगेगा, नंबर ऑफ़ चेयर्स हैं उनका रेंट कितना लगेगा, हो सकता है रिटर्न गिफ्ट देना पड़े तो रिटर्न गिफ्ट की कितना रेट है। तो इस तरह से टोटल सब कुछ ऐड करके आप टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे और वो आपका एस्टिमेट कहलाएगा। सो और दिस इज़ ऑल अबाउट एस्टिमेटिंग प्रोसेस। थैंक यू।